खतरा बढ़ता जा रहा है, टेंशन भी बढ़ने लगी है क्योंकि चीन की रहस्यमय बीमारी अब सरहदों को लांघ रही है। निमोनिया बता रहा है, उसने अब सुपर अमेरिका पर भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ओहायो के वॉरेन काउंटी में बच्चे अचानक सांसों की दिक्कत और सर्दी जुकाम से बीमार पड़ने लगे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भी चीन की रहस्यमय बीमारी ने दस्तक दे दी है। यहां भी अस्पताल में बच्चों की भीड़ है। खबर है कि ओहायो में 145 बच्चे बीमार हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ज्यादातर मामले 3 से 14 साल के बच्चों के हैं। वॉरेन काउंटी से जारी हेल्थ रिपोर्ट में कहा गया है कि पेडियाट्रिक निमोनिया के मामले अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो हेल्थ इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। चीन से चला ये निमोनिया एक के बाद एक कई देशों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये बीमारी चीन के बाद नीदरलैंड और डेनमार्क में फैली और अब ये अमेरिका और नेपाल के कई इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। चीन का ये मिस्टीरियस निमोनिया अब धीरे धीरे यूरोप में भी फैल चुका है, खास करके नीदरलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। डेनमार्क में इसने एक तरह से कही है कि महामारी का लेवल अचीव कर लिया है। तो ये जो निमोनिया है, इसको व्हाइट लंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। व्हाइट लंग सिंड्रोम इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें जो लंग के पिक्चर्स होते हैं, जो रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं, चाहे वो एक्सरे हो या सीटी स्कैन हो, उसमें बिल्कुल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी या बल्कि व्हाइट पैचेज होते हैं लंग्स पे, इसी की वजह से इसको व्हाइट लंग सिंड्रोम बोला जाता है। लोगों में डर बढ़ता जा रहा है क्योंकि बात बच्चों के सामान्य सर्दी जुकाम की नहीं है। ये बीमारी बच्चों के फेफड़े पर अटैक कर रही है। चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन चीन कोरोना की तरह ही इस बार भी सच्चाई को दुनिया से छिपा रहा है। चीन ने इसे निमोनिया बताया है। सवाल है, अगर ये सामान्य निमोनिया है तो फिर ये महामारी की तरह क्यों फैल रहा है? इसकी लहर कोरोना की तरह तेज क्यों है? इस बीमारी को व्हाइट लंग सिंड्रोम क्यों कहा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये कोरोना की तरह पूरी दुनिया पर कहर भर पाएगा? सबसे बड़ी बात है कि ये ऑर्गेनिज्म अभी तक इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है। ये एटिपिकल बैक्टीरिया है या ये कोई वायरस है, नोवेल वायरस है, इसको अभी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता है। बट जिस तरीके से ये स्प्रेड हुआ है और जिस तरीके से अब चाइना से खास करके 5 से 8 साल के बच्चों में ये सबसे ज़्यादा है, चाइना में एडल्ट भी इससे सफ़र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हो सकता है कोई नोवेल ऑर्गेनिज्म हो जो रिस्पॉन्सिबल हो इस तरह के निमोनिया के, बट आज के डेट में जो भी एविडेंस है वो लगता है कि एक माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। चीन के निमोनिया को लेकर कई तरह की रिसर्च और रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा।